अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम बाबाज ट्रेवल्स। आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। मेरे साथ जिशान साहब मौजूद हैं ड्राइविंग सीट पे, और आज हमने जो है वो इनका पासपोर्ट कलेक्ट करना है जापान एम्बेसी से। जापान एम्बेसी में केस सबमिट करवाया था हमने, तकरीबन एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए। पिछले जुम्मे को हमने जो है वो सबमिट करवाया था तकरीबन, और आज मंडे है, जुम्मे को ही कॉल आ गई थी, अगले जुम्मे को, यानी 7 दिन बाद कॉल आई थी। और अब जो है वो हम रास्ते में हैं, आज मंडे है, मौसम बड़ा अच्छा है, मौसम का व्यू भी आपको दिखाएंगे, और पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट कलेक्ट करके जो है वो बताएंगे कि वीज़ा ग्रांट हुआ है या नहीं हुआ है, और एक और बाकी की सक्सेस स्टोरी भी शेयर करेंगे जैसे ही हमें रिजल्ट मिलता है, पता लगता है। इनका जो है वो सारी आपके साथ हिस्ट्री शेयर करूँगा मैं कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी, किस तरह से सारे मामला थे, और आगे अपकमिंग क्या होने वाला है, किस तरह से जो है वो इस पूरे ट्रिप को जो है वो किया जाएगा, और हो सकता है कि वीज़ा लगे तो फिर हम इनके साथ एक दो लोगों को अटैच करें, अगर जिसने भी जाना हो ग्रुप में, जिन लोगों के वीज़ा हमने प्रोसेस करवाए हैं वो लोग हमारे साथ जा सकते हैं। जैसे ईशान साहब को आपने देखा होगा मेरे साथ और भी दूसरी वीडियोज़ में, तो ये हमारे ऑफिस में ही है। बाकी वीज़ा जैसे ही कलेक्ट होगा वो आपको हम बताएंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा, आप लोग भी मौसम जो है वो देखें, बड़ा ज़बरदस्त है। सुबह निकले हम तकरीबन 9 बजे, और अभी 10:20 हुए हैं, बारिश हो रही थी रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन काफ़ी थोड़ी सी तेज़ भी हुई, लेकिन अभी बारिश जो है वो रुकी हुई है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे जो एरियाज़ हैं वो मुझे शुरू से ही बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, जिस तरह ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है और उसमें ये कलर कहार का जो एरिया है बड़ा फैसिनेटिंग है, और मुझे जो है वो ख़ास तौर पे ऐसे एरियाज़ जो हैं जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी होती है अब वो बड़ा मुझे पसंद है, और मैं जब भी इन एरियाज़ के आसपास से गुज़रता हूँ तो उसकी एक अलग सी वाइब्स होती हैं, अलग सी फीलिंग्स होती हैं। आप देखें, मौसम भी अच्छा हो और आप अपने दोस्तों के साथ ड्राइव पे हों, और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और फिर आगे देखते हैं कि वीज़े का क्या रिज़ल्ट आता है, उसकी एक्साइटमेंट एक अलग से होती है। तो अभी हम बड़ी स्पीड में जो है वो जा रहे हैं, तो लेट्स सी आगे जो है वो मामलात कैसे होते हैं और हम जो है वो क्या रिज़ल्ट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ये फ़ाइल जो है वो मैंने अपने हाथ से जो है वो रेडी की थी, और मुझे बड़ी उम्मीद है क्योंकि मेरी आज तक जो है वो फाइल्स जितनी भी हैं जापान की जो मैंने अपने हाथ से ख़ास तौर पे रेडी की हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद होती है कि उनके वीज़ा जो हैं वो 99% जो है वो लग जाते हैं, और ये मेरा रिकॉर्ड चलता हुआ आ रहा है, और उम्मीद है कि ये वाला रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इंशाल्लाह अब जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर, तो फिर वहाँ से जो भी रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट आपको बताते हैं, और फिर जो अगला जो लाए हैं अमल है उसको हम तय करेंगे कि हमने आगे क्या करना है, वीज़ा लगने की सूरत में भी और वीज़ा ना लगने की सूरत में भी।
जनाब अब हम आ चुके हैं यहाँ पे शटल सर्विस पे। निशान साहब अंदर से हुआ है और अपना पासपोर्ट ले आए हैं और ला के मुझे पकड़ा दिए। कह रहे हैं खुद ही देख लो क्या है, मैंने अभी तक नहीं देखा कि क्या है। अब क्योंकि जापान है, अगर रिफ्यूज़ल हो जाए तो कोई आगे से पेपर शेपर भी नहीं देते, तो ये मेरे पास जो है वो पासपोर्ट है इनका, मैं जो है वो चेक करूँगा कि क्या मामला आता है। थोड़े से इस तरह से पकड़ लें, ये इनका जो है वो पासपोर्ट है, ये करंट है। अच्छा उमरा किया हुआ है, तुर्की का लगा लेकिन गए नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो, ये लग गया जी इनका जापान का वीज़ा, कमाल नहीं हो गया। ये बताएं मिला जुला रुझान था अंदर, क्या मामला थे, लग भी रहे थे, रिफ्यूज भी हो रहे थे, रिफ्यूजल भी थे। जब गया तब तो काफी ज्यादा वीजा उन्होंने ग्रांट किए हैं, उसके बाद जो है फिर रिफ्यूजल शुरू हो गया साहब। अच्छा तो क्या कहते हैं, फाइल किसने बनाई थी? फाइल आपने बनाई थी? अपने हाथों से बनाई थी मैंने। ऐसा ही है, मैंने ये फाइल अपने हाथों से बनाई थी। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है जो फाइल मैंने अपने हाथ से बनाई है ना जुबान की, वो ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं, तकरीबन 99% उन पे वीजे लगे हैं। कोई एक आधा रिफ्यूज भी हुआ होगा, लेकिन जो मैंने खास तौर पे अपने हाथ से बनाई है। तो ये इनका जो है वो वीजा ग्रांट हो गया है और ये इंशाल्लाह हम शेयर भी करेंगे। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आने का, अंदर टाइम बहुत ज्यादा जो है वो लगा देते हैं, अंदर टाइम क्यों इतना लगाते हैं? वो थोड़ा सा बड़ी स्लो चल रही, 2 बजे तो उन्होंने शुरू किया। अच्छा। 1:30 बजे क्यू लगाई है, 2:15 बजे तक वो टर्न आई अंदर जाने की। अच्छा। उसके बाद फिर अंदर भी जो है जिनको रिफ्यूजल है ना उनको जल्दी जल्दी दे रहे हैं। अच्छा। वो सबमिट करते हैं और रिफ्यूजल में 10-15 मिनट में देते हैं, और जिनको जो है वो है क्या उसका नाम वीजा दे रहे हैं तो वो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा। बाकी ये है कि अब आप देख रहे हैं जिन्होंने ट्रेवल करना है मेरे साथ। हाँ, अब हम बताएंगे कि इनका ट्रैवल करने का जो है वो प्लान कब का है, कब जाना है इन्होंने, और जिन लोगों ने ज्वाइन करना हो तो वो हम उनको ज्वाइन करवा देंगे। 3-4 लोग अगर मिलके जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, इसमें फ़ायदा होता है। और बाकी इंशाल्लाह, बाकी प्रोफाइल तो मैं आपके साथ इनकी शेयर कर दी है। ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, लेकिन सऊदीया गए हैं, दुबई के काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल ट्रैवल्स हैं, टर्की का ट्रैवल नहीं किया था, कोविड आ गया था, और अभी जापान का वीज़ा अप्लाई किया और ये इनका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया है। यानी कि विजिटर विजिट वीज़ा मेरा कोई नहीं था। हाँ, विजिट कोई भी नहीं था, और ये टूरिस्ट पे हुआ है, किसी किस्म का जो है वो हमने कोई इन्विटेशन नहीं, कोई गारंटी वगैरह कुछ भी जो है ना वो नहीं लगाई थी। तो अब हम वापसी के लिए निकलेंगे लाहौर के लिए, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी तमाम लोगों के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।